तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगता है hmm. कोई ना कोई एक सपना देखना जरूरी है ऊपर वाले या दुआ से कम समय मैंने मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू स्पोर्ट्स कार से लेके आज लोनावाला में खुद का हेलीपैड है अपना मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेल कभी गंदा नहीं होता है खिलाड़ी गंदे होते हैं hmm. सचिन भी क्रिकेट में थे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खेल को गंदा किया कोई भी इंसान बड़ा बन सकता है जो मैंने बहुत खुद कई लोगों को देखा है मेरे ट्रेनिंग से कई ऐसे लोग हैं जो रिक्शा ड्राइवर ने मसीडी लिया हुआ है मैंने सबको अभी बोलना शुरू कर दिया कि आप सौ करोड़ के ऊपर सपने देखो लेकिन सो करोड़ के ऊपर मिनिमम करोड़ के ऊपर क्योंकि आज बॉम्बे में दस करोड़ का भी घर अच्छा नहीं आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि दस कदम आप खुद के लिए चलते है तो दो कदम देश के लिए चलो तो हमने इंसानियत की यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं लोनावाला में एक लाख का मोबाइल लिया तो दो हजार का चार्जेस बढ़ा नहीं है लेकिन वो दो हजार ही लोगों को बढ़ा लगता है क्या बात लोग गलती यही करते शॉर्टकट में बड़ा बनना चाहते इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं ये आपको पहले समझना है विनर बनना है तो आपको इनर में जाना पड़ेगा डब्लू निकाल दो आपको इनर लोगों का गलती ये है हम इनर में नहीं जाते और विनर बनना चाहते हैं हेलो हाय नमस्ते विनर टॉक शो के आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइफ आज एक कंपटीशन बन गई है हमारे शो का नाम भी है तो हमारे साथ किसी गुरु का होना बहुत जरूरी है और आज हमारे साथ है इंडिया के नंबर वन स्पिरिचुअल बिजनेस कोच आदरणीय शशिकांत खामकर जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार जैसे कि आप कई सारे उद्योजकों को प्रेरित करते हैं उनके मोटिवेशनल गुरु हैं उनके बिजनेस कोच हैं और साथ में उनके स्पिरिचुअल गुरु भी है तो ये बहुत ही एक अलग कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस को साथ लेकर बढ़ने का इस विषय में तो आपसे और जानना चाहूँगी लेकिन शुरुआत इस प्रश्न के साथ करना चाहूँगी कि हमारे सामने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वप्न रखा है पूरे भारत के सामने कि भारत आत्मनिर्भर हो और हर कोई आज चाहता है कि मैं अपने कदमों पर खड़ा रहूं अपने बलबूते पर कुछ कर पाऊं अपनी एक पहचान बनाऊं। तो ये जो आत्मनिर्भर होना है इसका मुझे लगता है एक गोल्डन वे जिसे कहते हैं वो है कि आप उद्योजक बने आप ऑन्थरप्रनर बने तो ये इच्छा तो सबके मन में होती है बहुत लोग ये सपना देखते हैं लेकिन हर कोई इसे मुमकिन नहीं कर पाता तो आप क्या कहेंगे कि अगर मुझे उद्योजकता में आना है अगर मुझे आत्मनिर्भर होना है तो क्या करना होगा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मुझे लगता है कि आई एम शेयरिंग माई स्टोरी मेरे बारे में बता दूंगा कि मुझे भी लगता था कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए हर एक बच्चे को लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए मम्मी डैडी भी सपना देते हैं हमें कि जिंदगी में कुछ ना कुछ बनो लेकिन क्या बनना हमें पता होता नहीं है मैं अपने जिंदगी के बारे में शॉर्ट में इतना बताना चाहूँगा कि हम वर्ली में रहते थे मुंबई में अस्सी स्क्वायर फीट में चाचा चाची के साथ मेरी मम्मी चालीस पचास लोगों का खाना बना देती थी तभी उनको पता नहीं था कि ज़िंदगी में हम आगे जाके क्या बनने वाले हैं और हालात ये थे वो टाइम पे ऐसे ही बताया जाता था डॉक्टर बनो सीए बनो या इंजीनियर बनो ये तीन फील था लेकिन हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था ना हमें कोई गाइड करने वाला था लेकिन ज़िंदगी में क्या बनना ये पता नहीं था तभी की दुनिया बहुत अलग थी हमें ज़िंदगी में हालात ने हमें ज़िंदगी जीना सिखाया तो बिजनेस भी करना है जैसा आपने बोला कि आत्मनिर्भर बनना है लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है ये हमारा भी साइकोलॉजी था लेकिन उस समय भाई एक हालात ने मुझे जिंदगी में सिखा दिया जिंदगी में बड़ा बनने के लिए पैसा नहीं लगता है आपका एक सोच होना बहुत जरूरी है और तभी मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ करते हुए मैं टेन के बाद मैंने ग्यारह रुपए से मैंने जिंदगी की शुरुआत की जॉब करते हुए सिर्फ ग्यारह रुपए ग्यारह रुपए से लोअर में ए इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट में जब भी काम करते हुए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मार्केटिंग uh, करना जो आज uh, बहुत जगह पे आपको पता होगा कि जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है कुछ कहा जाता है और उन्होंने मुझे सपने बताया कि जिंदगी में बड़ा बनना है तो आपको पैसा नहीं लगता आपको मेहनत करने की तैयारी होना चाहिए हार्डवर्क जो बुला जाता तो उम्र पंद्रह साल थी पता नहीं था जिंदगी में क्या होने वाला और क्या नहीं है सीखना बहुत जरूरी था एजुकेशन लेते वक्त हम क्या क्या करें तभी मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मौका मिला वो काम करते करते ये पता चला कि हम भी सपना देख सकते हैं हम भी बड़ा बन सकते हैं लेकिन पैसे की जरूरत नहीं है बिजनेस करने के लिए पैसा लेता है बहुत लोगों को याद लगता होगा कि मुझे बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है पैसा कितना लगेगा हमारे खानदान में बैकग्राउंड में पैसा नहीं है इसके लिए सबसे जन्म जो हुआ है जो आत्मनिर्भर आपने जो वर्ड यूज किया वो वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो नेटवर्क इंडस्ट्री मेरे ज़िंदगी में आई और मैं ग्रेजुएशन करते वक्त वो काम करते करते मैंने जिंदगी में वो बिज़नेस शुरू कर दिया उसका नतीजा ये हुआ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मींस क्या जिंदगी में लोगों से कैसे बातें करना आत्मनिर्भर मींस बिजनेस कैसे करना बिज़नेस के लिए लोगों से बातचीत करना ज़रूरी है और वो मुझे सीखने को मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से और इसके लिए मैं ज़िंदगी भर शुक्र अदा शु, करना चाहूंगा उस इंडस्ट्री का जिस जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं जिंदगी में क्या करना है ग्रेजुएशन करने के बाद भी आज बहुत सारे बच्चे लोग जॉब नहीं मिल पा रहे हैं या बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है वो पता नहीं है और फिर वो घर पे बैठते हैं इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है हुँ. और उसका नतीजा ये हुआ मैंने सपने देखे थे हम लोग चाचा चाची के घर में रहते थे आज मुझे खुशी है आपको बताते समय उस इंडस्ट्री ने मुझे सपना देखना सिखाया खाली सपना देखना सिखाया नहीं जिंदगी में सपने के ऊपर कैसे चलना है क्योंकि विनर्स का एक स्लोगन है थिंक एक्ट विन खाली सोचो मत उसके ऊपर एक्शन करना बहुत जरूरी है और ऊपर वाले की दुआ से मैंने एक्शन किया और मुझे बताने में खुशी है मैम कि मेरे मम्मी का सपना था वो टाइम पे कि वो जो माहौल था कि आप टीचर बनो लेकिन हालात ये थे कि मेरे परसेंटेज उतने नहीं थे एजुकेशन उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था मैंने ग्रेजुएशन करती कॉलेज से किया मुझे टेन में फोर्टी थ्री परसेंट मिले थे तो मुझे फिफ्टी परसेंट की वजह से मुझे टीचर का जो डीएड का कोर्स होता है वो करने को मिला नहीं तो मम्मी का सपना टूटा मेरा सपना नहीं था वो मम्मी डैडी का सपना होता है ऐसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं कि उनका सपना बच्चे पूरा अपने तो बच्चों के लिए बच्चे सोचते। कर, और वो नहीं लेकिन मैं से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में था तभी मैंने सपना लिखा मम्मी के जब जबी जिंदगी का जो सपना था वो सपना कैसे पूरा कर सकता हूं मैं टीचर तो नहीं बन पाया तो मैंने लिख दिया ऐसे ही वो टाइम पे मोटिवेशन में कि मैं मम्मी तेरे नाम से स्कूल बनाऊंगा Hmm. तू चाहती थी ना टीचर बना लेकिन मैं टीचर लोगों को जॉब दूंगा hmm. ऐसा मैंने सपना लिखा पता नहीं था जिंदगी में क्या आगे होने वाला hmm. आज खुशी की बात है 2015 में मैंने सतारा में जो मैंने लिखा था वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड स्क्वायर फीट में साढ़े छः करोड़ का स्कूल है और उधर डेढ़ सौ बच्चे हम फ्री में सिखाते एक भी हम पैसा नहीं लेते कितनी बड़ी बात है तो ये ये कभी हुआ जब भी मम्मी ने सपना देखा और हम पूरा कर पाए क्योंकि मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया जी। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगता है कोई ना कोई एक सपना देखना जरूरी है और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे करते करते मुझे लगता है कि जिंदगी में मैंने ग्यारह रुपए से स्टार्ट किया था मेरा जिंदगी आज मैं बताना चाहूंगा कि ऊपर वाले की दुआ से ज़िंदगी में जो मैंने सपने देखे थे फ्लैट चाहिए गाड़ी चाहिए हाँ बहुत सारे वो टाइम पे मर्सिडीज़ और बी बहुत बड़ा नाम था ऊपर वाले की दुआ से कम समय मैंने मर्सिडीज़ बी स्पोर्ट्स कार से लेके आज लोनावाला में खुद का हेलीपैड है अपना तो हमने कम समय में मीन्स जो मैंने घर देखा था उससे मुझे एक रुपये चाहिए था ऊपर वाले की दुआ से जो सपना एक रुपए का था ऊपर वाले ने दस रुपए दिए ये कैसे हुआ मैंने बिजनेस करते हुए मैंने खुद का एजुकेशन अपने आप में डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया इसके वजह से मैं आप सभी को कहूंगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा लगता नहीं सपना देखना बहुत जरूरी है जो मेरे सपने भी सपने पूरे पूरे हुए आपके भी हो सकते हैं ये मुझे लगता है एक इतना इतना जरूरी थॉट है कि पैसा जरूरी नहीं है पर जैसा कि आपने कहा ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ट्रेनिंग के साथ जिसे हम कहते हैं ना फिल्मी लैंग्वेज में कि जीरो से हीरो हो सकते हैं आप तो वो जो जीरो से हीरो होना है उसके लिए ट्रेनिंग की जितनी ज़रूरत है और सपना देखने की ज़रूरत है पर आप जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं तो इसके बारे में हमने सुना काफ़ी होता है लेकिन हम बहुत बार जब सोचते हैं कि खुद ऐसा कुछ करें तो कई सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं उसमें सबसे पहला ये होता है कि लोग क्या कहेंगे तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोग आज भी उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जैसे हम एल के एजेंट एजेंट बोलने के बाद जो रिस्पेक्ट नहीं होता था वैसे आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उतना रिस्पेक्ट नहीं है लेकिन हम जब भी काम कर रहे थे एट्टी नाइन के बाद आज का दौर बहुत चेंज हो चुका है जैसा सी बी है ये सारे गवर्नमेंट के लॉज आए हुए दो हज़ार में कई सारे गाइडलाइन इस इंडस्ट्री के ऊपर आए आपको बताने में खुशी है कि इक्कीस जून दो में बहुत अच्छा अमेंडमेंट पास हो चुका है इस इंडस्ट्री को लीगली एक रिस्पेक्ट दिया गया है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लेके बहुत सारे लॉ बनाए हुए हैं और अभी मैं कहूँगा कि आने वाला फ्यूचर यही इंडस्ट्री का है सारे इंडस्ट्री में देखो अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेल कभी गंदा नहीं होता खिलाड़ी गंदे होते हैं mm. सचिन भी क्रिकेट में थे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खेल को गंदा किया लेकिन आप अच्छे हैं तो आप जिंदगी में अच्छा कुछ कर सकते हैं और इसी इंडस्ट्री को मैं कहूँगा कि अमेरिका में वो इंडस्ट्री पॉपुलेशन से फाइव परसेंट लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क इंडस्ट्री वह रिस्पेक्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज इंडिया में एक सौ चालीस करोड़ की जनता में पॉइंट थ्री फोर परसेंट के नीचे है रेशो आज भी और यही फ्यूचर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है आज हम इस इंडस्ट्री में जाते हैं तो आने वाले पाँच साल में दस साल में बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं क्योंकि जिस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया जो मुझे कुछ नहीं था मेरे पास लेकिन उन्होंने सपना दिखा सपना खाली देखा नहीं उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया कैसा चलने का वो बताया और जिंदगी में वही एक इंडस्ट्री है जिससे आप डॉक्टर से भी अच्छे से बात कर सकते हैं डॉक्टर भी इसमें है सी भी है इंजीनियर भी है या कोई भी इंडस्ट्री में नीचे का आदमी भी टेन का भी आदमी कर सकता है मीन्स किस इंडस्ट्री में कोई भी इंसान बड़ा बन सकता है जो मैंने बहुत खुद कई लोगों को देखा है मेरे ट्रेनिंग से कई ऐसे लोग हैं जो रिक्शा ड्राइवर ने मसीडी लिया हुआ है इसका मतलब ये क्लियर है कि आपने खाली सपना देख के नहीं होता कोई तो एक बात होना जरूरी है लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है वही इंडस्ट्री में नाम बदना भी इसके लिए हुआ है हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस हमने कुछ सीखा नहीं है और फिर हम करने जाएंगे तो वो इंडस्ट्री में हम सक्सेसफुल होते हैं नहीं है मुझे डॉक्टर बनने के लिए भी मुझे पाँच से दस साल देना पड़ता है जी। तो मैं ये कहता हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग जुड़ते तो है बिजनेस करने के लिए लेकिन उसके लिए जो एजुकेशन लेना है वो नहीं लेते इसके लिए इंडस्ट्री में जो जितना सक्सेस उन लोग होना चाहिए वो होते नहीं इसके लिए उनको एजुकेशन की ज़रूरत है एजुकेशन की वजह से मेरा लाइफ और हज़ारों लोगों का लाइफ हमारे ट्रेनिंग से जो गया है उनके बनाया हुआ है मैं सभी को कहूँगा कि एजुकेशन लेते रहना मैंने 95 से हर महीने में आज भी एक ट्रेनिंग लेता तो, हूँ जो मैं खुद सीख रहा हूँ तो एजुकेशन हम लोग लेंगे तो हमें जो ग्रोथ चाहिए वो आराम से मिल सकता जी जैसे हमारे कोई गैजेट्स भी है तो उसे हम अपडेट करते रहते हैं वैसे मुझे लगता है कि एक ब्रदर को अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है आ, ट्रेनिंग के बारे में पूछते हुए ये आ, जरूर मैं आपको पूछना चाहूंगी जैसा आपने कहा कि सपने देखिए पर सपना कितना बड़ा हो सकता है ये मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मैंने आपके ट्रेनिंग में सुना है कि आप हम लोग तो एक करोड़ का सपना भी हमारे लिए शायद बहुत बड़ा हो लेकिन आप सौ करोड़ का सपना उसके बारे में बात करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी एक छलांग है तो आ, कितना बड़ा सपना देखना चाहिए देखिए मैं जब भी था जब भी मैं इस इंडस्ट्री में आया था तभी लोग कहते थे कि करोड़ रुपीज कमाना चाहिए तो मुझे लोगों ने सपना दिखा है एक करोड़ कमाओ तो मैंने जाने अनजाने में सपना लिखा कि मुझे एक करोड़ कमाना है जब भी मैंने एक करोड़ का सपना मुझे किसी ऊपर वाले ने बताया एक करोड़ कमाना है तो मैंने उतना ही कमाया तो मुझे यह पता चला कि जो माइंड में डाला जाता है वही तो अच्छी होता है जी। तो फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरुआत कर लिया तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में अब कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं होता इम्पॉसिबल को पॉसिबल हम आराम से कर सकते हैं तो कैसे कर सकते तो मैं हमेशा मेडिटेशन करता था तो मेडिटेशन करते वक्त मैंने ऐसे लिखे थे ना स्पोर्ट्स कार चाहिए ऐसा

मैंने जो एक घर लिया हुआ है वो छः बेडरूम हॉल किचन का सेवनटी सेवन सेवेंटी एट फ्लोर दो फ्लोर लिया पच्चीस करोड़ में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है mm -hmm. तो आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है ना तो सौ करोड़ के ऊपर का सपना देखो खाली मैंने बोला नहीं उसके ऊपर एक्शन कैसे करने का mm -hmm. ये सोच कैसा लाने का और मुझे ये समझा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है mm -hmm. सपने तो रिक्शा ड्राइवर भी देखते हैं मसीडी दे मैं चलाऊ लेकिन वो मसीडी ले नहीं पाता क्योंकि उसके लिए जो एक्शन करना चाहिए उसके लिए कौन सा पाथ पे चलना चाहिए कोई तो गुरु होना चाहिए लोग वो एजुकेशन लेते नहीं है और इसका नतीजा ये हुआ है कि मेरे पास कई सारे लोग हैं जिन्होंने मैंने जो बुलाया उससे कई गुना ज़्यादा अचीव किया उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जो कोविड आया था टू में सेकेंड कोविड में एक इंसान मेरे पास आया था जो मेडिटेशन के लिए आए थे तो मैंने हमेशा बुलाया कि जहाँ मंदिर है मस्जिद है गुरुद्वारा है वहाँ ही पैसा है तो लोग हम पैसे के पीछे जाते हैं लेकिन पैसा हमारे अंदर है भगवान हमारे अंदर है तो मैंने मेडिटेशन में उनको बोला कि ज़िंदगी में बड़ा बनना है आपको तो उन्होंने भी बोला मेरा सैलरी तो बहुत छोटा अमाउंट है डेढ़ लाख रुपये सैलरी मैं क्या कर सकता हूँ इतने सालों से तो मैंने बोला बिजनेस कर सकते तो उन्होंने बिज़नेस का ट्रेनिंग शुरू किया और पता नहीं था क्या होने वाला और क्या नहीं जैसे जैसे बिजनेस का ट्रेनिंग शुरू किया तो उन्होंने ज़िंदगी में जो हमने बोला था कि बड़े लोगों को मिलो तो उन्होंने सपना देखा था बड़े लोगों को मिलना है तो किसको मिलना है तो वो वन टू वन बिलगेट से मिले फॉरन बबट से मिले सुंदर पिचा टॉप ट्वेंटी फाइव लोग फॉरन के उनसे वो मिले मैंने उन्होंने देखा हुआ वो सपना तो पूरा हुआ एक अप्रैल को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उनका बिजनेस स्टार्ट किया आज ऊपर वाले की दुआ से उन्होंने विद इन एयर पाँच हजार करोड़ क्रॉस कर लिया आज अमेरिका में ऑफिस है हज़ारों लोग स्टाफ है तो ये उनका सपना उन्होंने आठ लाख करोड़ देखा जी। तो ये बोला नहीं है उन्होंने करके दिखा ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया नहीं। तो ये कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सीखना बहुत जरूरी जी। आ, मतलब इसके लिए एक पावर ऑफ बिलीफ भी चाहिए अपने आप पर भी एक विश्वास रखने की बहुत जरूरत है और जैसा कि आपने बताया वो करेज आप में होना चाहिए वो धाड़स आप में होना चाहिए आ, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया हमें पर जब हम देश की बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि अगर हमारे देश को भी हमें आत्मनिर्भर बनाना है उसे ताकतवर बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखो जॉन एफ कैनेडी ने बोला था कि देश आपके लिए क्या करेगा वो मत सोचो आप देश के लिए क्या करोगे वो सोचना बहुत जरूरी है तो उससे मैं वो वर्ड से मैं इंस्पायर था कि हम लोगों को बातें करने से अच्छा मैं घर से कैसे शुरुआत करू देश के लिए मैं क्या करना चाहूंगा तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि जैसा मैंने कहा कि मैंने स्कूल शुरू किया बच्चे लोग को इंडिया का कल्चर इंडिया में आने के लिए गुरुकुल मैंने शुरू किया हुआ है वो फ्री में एजुकेशन लेना तो मैं चाहता हूँ कि दस कदम आप खुद के लिए चलते हैं तो दो कदम देश के लिए चलो तो हमने इंसानियत की यूनिवर्सिटी हम बना रहे लोनावला में जो सात करोड़ का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जो जिसमें लोगों को फ्री में एजुकेशन मिलेगा जिंदगी कैसा जीने का उसका एजुकेशन रहेगा नॉर्मल एजुकेशन नहीं होगा मेडिटेशन से लेके सारे बात में मतलब टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग 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 होगा आत्मनिर्भर बनने के लिए जो जो जरूरत है वो आपको सीखने को मिलेगा इसका सिंबल बड़ा हुआ है मुझे ये लगता है कि मेडिटेशन एक ऐसे ताकत है जो आपके अंदर है उसको मैं बोलता हूँ इनर जर्नी आपका जो अंदर का आवाज है वही तो बाहर आता है तो आप अंदर की आवाज क्या है अंदर की आवाज ये है कि हर एक इंसान को बड़ा बनना है सक्सेसफुल बनना है लेकिन कैसे बनना है ये हमें पात्र मुझे भी लगा कि हम मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं मेहनत तो करना ही चाहिए आप और मैं मेहनत ही कर रहे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है जहाँ स्पिरिचुअल पावर है वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है ये मुझे कम समय में समझ में आया तो मैंने मेडिटेशन लोगों को सीखा और मेडिटेशन से लोगों ने अंदर जाके अपने जर्नी को कम समय में जो जो उनके सपने हैं वो वो सारे सपने पूरे होते हैं तो मेडिटेशन स्कूल में हमारे सिखाया जाता है वही मेडिटेशन का कल्चर यूनिवर्सिटी में आएगा इंडिया का कल्चर इंडिया में हम लाएंगे जो आज कल लोग भूल गए इसके लिए हमने देखो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर घर तिरंगा अभी जो अभियान चला था तो मैंने अभियान चलाया तीन साल से कि हर घर भारत माता घर भारत माता का घर में फ्रेम होना चाहिए भारत माता का आरती होना चाहिए खाली हमने बोला नहीं हमने आरती बनाया आज मोर देन इंडिया में 200 से ज्यादा स्कूल में हर दिन आरती लगती है भारत माता की हजारों लोगों के घर में आज सुबह सुबह आरती लगती है तो आरती लगने के बाद वो हमें 15 कर सकता हर एक ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो मुझे लगता है कि ये देश बहुत जल्दी जो इकोनॉमी फाइव ट्रिलियन बनना चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है वो आराम से हम पूरा कर सकते लेकिन मेरा योगदान देश में क्या होगा ये हर एक ने देखना बहुत जरूरी है सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी जैसे कि आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की तो आ, मार्केटिंग में ऐसे भी काफ़ी लोग हैं कि जिनको हम सालों से देख रहे हैं वो है मार्केटिंग में लेकिन जिस तरह का सक्सेस उन्हें चाहिए उन्हें मिला नहीं है जिसे हम कहते हैं स्टक सिचुएशन में है तो ये क्यों होता है देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत सारे हजारों लाखों लोग जुड़ तो चुके हैं लेकिन वो सालों से काम कर रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है इसका पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा कि हम भी जब भी शुरुआत किए थे हमने भी तभी, तभी वैसे ही माहौल था लेकिन तभी एजुकेशन के उतने ट्रेनिंग्स नहीं थे जिंदगी में देखो कितने लाख का मोबाइल है वो वो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए चार्जर भले दो हजार का है दो हजार के चार्जर के बिना दूसरे दिन आप यूज़ नहीं कर सकते मोबाइल लेकिन गलती लोग क्या करते सपने तो करोड़ों का देखते हैं लेकिन सपने देखने के बाद वो चार्जर भूल जाते हैं इस चार्जर मीन्स क्या मुझे लगता है एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है हुँ. जिस कंपनी में सिस्टम्स है एजुकेशन है ट्रेनिंग है ये मैंने देखा कि नाइन्टी से मैंने ये पढ़ाओ में हूँ तो बहुत सारे कंपनी जिनके पास एजुकेशन सिस्टम खुद का है वो कंपनी में लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे वो एजुकेशन लेके सक्सेसफुल बन रहे हुँ. लेकिन जिस कंपनी में एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं है लास्ट चालीस पचास सालों से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है लेकिन उस इंडस्ट्री में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग ले रहे हैं जिस कंपनी में एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं है उसके लिए हमने खुद एजुकेशन का ट्रेनिंग लॉन्च किया उनके लिए और जिनको जिनको हमने ट्रेनिंग दिया उसमें बहुत सारे बेसिक ट्रेनिंग होते हैं बातें कैसे करने का लीडरशिप ट्रेनिंग्स होता है पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना चाहिए लोगों से मिलना कैसे चाहिए जिंदगी में ऊपर के लेवल पर जाके आपको स्पीच कैसे देना चाहिए टीम कैसे बिल्डिंग करना चाहिए इसके सारे हमने ट्रेनिंग के मॉड्यूल बनाए और वो सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी फुल प्रूफ है जिससे हजारों लोग सक्सेसफुल है तो जो लोगों ने एजुकेशन कंटिन्यूस लिया जैसे मैंने बोला चार्जर इंपॉर्टेंट है हर दिन हमें चार्ज करना पड़ता है जो लोगों ने एजुकेशन कंटिन्यूस लिया वो लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं मैं सभी को यही कहूंगा कि आप अपने फील्ड में अपग्रेड होना बहुत जरूरी है अभी एप्पल का फिफ्टीन आ रहा है ना तो हमें आज भी कई सारे लोग एप्पल फोर फाइव में रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये पीछे लोग जुड़ते बोलते लोग मुझे दस साल का एक्सपीरियंस है लेकिन अपग्रेड नहीं है हमें अपग्रेड होना बहुत जरूरी है तो मैं सभी को कहूंगा आप एजुकेशन ले लो या आपकी कंपनी आपको एजुकेशन नहीं देते विनर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग लेके आ रहा और इससे हजारों लोगों का लाइफ ऑलरेडी बन चुका है जब जब ट्रेनिंग की बात आती है तो पहला जो सवाल मन में आता है कि इसके लिए तो पैसे लगेंगे तो इस बारे में आप क्या कहेंगे देखो कोई भी चीज़ जो फ्री में दिया जाता है ना फ्रीडम भी हमें फ्री में नहीं मिला है तो हमें एक्सपेक्ट क्यों करने का देखो हम जो स्कूल है म्यूनसिपलिटी स्कूल में बच्चे लोगों को फ्री सिखाया जाता है क्या हम अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजते क्या स्कूल में एजुकेशन अच्छा मिलता हो लेकिन फिर भी दिमाग में फ्री है तो हम अच्छे स्कूल में डालते इसका मतलब क्या है एजुकेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ बीज बोना ही पड़ेगा एक लाख का मोबाइल लिया तो दो हजार का चार्जेस बढ़ नहीं है लेकिन वो दो हजार ही लोगों को बड़ा लगता है आपको मैं इतना ही कहूंगा विनर्स ने ये प्लान किया हुआ है कि जो बाहर जो फीस जो होता है मीन दस रुपए बाहर फीस है तो हम पचास पैसा ले रहे हैं या एक रुपए ले रहे हैं तो आप पचास पैसे एक रुपए भी डाल के आपकी जिंदगी को अपग्रेड कर सकते हैं तो जिंदगी में आप बड़े बन सकते हैं मैंने अपने जिंदगी में ट्रेनिंग के लिए एक चार घंटे का डिस्कशन के लिए मैंने पच्चीस लाख रुपया दिया था पच्चीस लाख में मैंने ट्रेनिंग लिया नहीं होता था चार घंटे का तो शायद मेरा करोड़ों का सोच नहीं होता था ना जी। तो आपको मैं इतना कहूँगा ट्रेनिंग का नॉमिनल अमाउंट होता है चार्जर की तरह वो देना ही आपको होगा लेकिन उभरना है जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जी। जैसा कि आपका आप परिचय कराते हुए मैंने कहा था कि एक बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन है बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी लोगों को लगता है कि ये तो दो अलग पोल्स हैं दो अलग चीजें हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम तो आ, अच्छाई की बातें करते हैं और बिजनेस माने पैसे कमाना तो ये कॉम्बिनेशन कभी कभी जमता नहीं है तो आप ये दोनों चीज़ें साथ में कैसे कर लेते हैं ये बहुत अच्छा सवाल है बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि स्पिरिचुअल बिजनेस कोच कैसा होता है लोग तो बिजनेस सिखाते हैं लोग स्पिरिचुअल की बातें कर दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होता ये मुझे ढूंढने में बहुत साल गए तो मुझे ये पता चला कि आपके अंदर जो है वही तो बाहर आएगा और मैं मोटिवेशन ट्रेनिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को बोलता था मेडिटेशन करो जिंदगी में आगे बढ़ने आपको तो अंदर जाओ पहले बाहर की दुनिया से मोटिवेशन कभी तो खत्म होगा अंदर से आपको लगेगा मुझे ये बनना है तो वो आपको कोई तोड़ नहीं सकता रोक नहीं सकता और मुझे पता चला जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज है उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है जितने भी आप मंदिर देखो मस्जिद देखो गुरु जब आपने, आपने देख... जब अभी कहा तब सा, सामने आया तो मुझे ये पता चला हमें पैसा ही कमाना है इसका मतलब जहाँ स्पिरिचुअल है वहाँ पैसा है जी और हमारे पीएम भी खुद स्पिरिचुअल है स्ट्रांगली तो वो मेडिटेशन रेगुलर करते उनके पास कितना भी स्ट्रेस है तो भी वो दिखता नहीं स्परिचुअली ऐसा एक माहौल है इंडिया स्पिरिचुअल कंट्री माना जाता है वो कल्चर को हम भूल चुके हैं जब भी हम स्पिरिचुअल से हम अपने आप से बातें करना शुरू कर देंगे मेडिटेशन करेंगे तो हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते यही डायरेक्ट सेलिंग में कमी है जो लोग मेडिटेशन से जुड़े नहीं है तो ये स्पिरिचुअल और मोटिवेशन का कॉम्बिनेशन हम बिजनेस में करते हैं वो बिजनेस का ट्रेनिंग से ही आप कम समय में आप बड़ा बन सकते हैं जैसे मैंने कई एग्जाम्पल आपको दिए कई लोगों ने कम समय में टॉप से बॉटम लोग टॉप में जाते हैं इस इंडस्ट्री में फिर बॉटम में आते हैं लेकिन फिर उठते नहीं है जी। क्योंकि कभी कभी हमें इजीली मिल जाएगा लेकिन कंटिन्यूस नहीं मिलता है कंटिन्यूस करने के लिए मेडिटेशन की ताकत होना बहुत जरूरी है यही हम डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ रहे हैं कि मेडिटेशन से आप कोई भी इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री में हो लेकिन चुनते वक्त देखो अंदर एक आवाज आना चाहिए मुझे गलत काम नहीं करना जब यह स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जी। तो आप लोगों के साथ चीट नहीं करोगे भारत माता के साथ चीट नहीं करोगे देश के लिए कुछ करना चाहोगे तो आप गलत काम नहीं करोगे वो स्पिरिचुअल अंदर का जर्नी बताते हमें जो इंस्टेंट मिलता है वो कॉन्स्टेंट नहीं है mm, क्या बात लोग गलती यही करते शॉर्टकट में बड़ा बनना चाहते हैं mm. इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है ये आपको पहले समझना है इस इंडस्ट्री में जिसने भी पाँच साल दिए mm. डायरेक्ट सेलिंग में मेडिटेशन के थ्रू रियली काम करते हुए वो लोग सारे लोग सक्सेसफुल है और इसके लिए विनर्स ऑलरेडी इस सिस्टम में है आप तीन से पाँच साल विनर्स के साथ जुड़े रहो उसके सारे ट्रेनिंग मॉडल मैंने लॉन्च किए हुए हैं उससे रिजल्ट भी लिए हुए हैं और आने वाले समय में इंडिया में हम सभी को हेल्प कर रहे हैं आप इसी इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट विथ मनी कैसा मिलना चाहिए जिस इंडस्ट्री ने मुझे रिस्पेक्ट दिया पैसा दिया जो मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला तो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री के लिए विनर्स भी हम योगदान देने के लिए तैयार है आप जिस को भी लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुनना बहुत ज़रूरत है लोग गलती करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुनते नहीं है तो जाने अनजाने में लोग मनी सर्कुलेशन स्कीम में जाते हैं जो जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं और फिर इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप पांच साल रहोगे तो जिंदगी में आप बड़ा बन सकते हैं क्या बात है मुझे लगता है बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो इंस्टेंट है वो कांस्टेंट नहीं है और अगर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी का एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जैसा कि आपने कहा कि बॉटम से टॉप जाना ये तो सक्सेस स्टोरी होती है और हमें बहुत अच्छी लगती है पर जिस किसी के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है कि अभी टॉप से बॉटम दिख रहा है तो क्या उस वक्त स्पिरिचुअलिटी आपका बहुत हेल्प कर सकती है आपका एक आधार बन सकती है देखो जब भी आप सक्सेसफुल हो देगा तो दुनिया आपको सलाम करती है लेकिन टॉप से जो भी नीचे आते हो ना तभी कोई आपके साथ होता नहीं है तभी आपका साथ खुद को ही देना पड़ता है हम कई सारे ऐसे उदाहरण जाने माने भी देख चुके हैं कि जो हमें हमारे लिए कि इस इंसान के साथ ये कैसे हो सकता है ये तो कितना सक्सेसफुल है तो आप क्या कहेंगे उसके बाद नहीं मैं प्रैक्टिकली आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस मैं जिंदगी में कम समय में टॉप अचीव कर चुका था और फिर बॉटम में देख चुका था जिंदगी में सब कुछ जा चुका था लेकिन ये मेडिटेशन वजह से आज जो भी मेरे पास है उसकी वजह से जी। नहीं तो हम 700 करोड़ की घर वाले भी साथ देते लेकिन जब बॉटम में होते हैं, तो घर वाले भी साथ नहीं देते आपको खुद का साथ देना है तो आपको मेडिटेशन का ताकत यूज करना पड़ेगा और यही स्पिरिचुअल पावर मुझे यहां तक लग गया मैं सभी को यही कहूंगा कि आप मेडिटेशन हर दिन करना शुरू कर दो उससे आप जिंदगी में जो चाहिए वो मिल सकता है देखो चंद्रयान भी सक्सेसफुल हुआ तभी क्या बोले सबने प्रे किया उन्होंने एक वर्ड यूज किया इसका मतलब क्या ताकत है अपने इंडिया स्पिरिचुअल कंट्री हम उसको भूल गए यानी उसको नहीं भूले हम अपने आप को भूल चुके हैं तो विनर बनना है तो आपको इनर में जाना पड़ेगा डब्लू निकाल दो आपको इनर लोगों का गलती ये है हम इनर में नहीं जाते और विनर बनना चाहते हैं तो मेडिटेशन ही सबसे बड़ी ताकत है जो आपको सक्सेस की राह तक लेके जाएगा भारत माता की आरती ये बहुत ही सुंदर कदम है कि हम देश के लिए पहले तो प्रेरित होना बहुत जरूरी है ऐसे ही प्रेरित होकर जैसा कि आपने कहा कि विचार और फिर उसके बाद में उसकी एक्शन होना बहुत जरूरी है तो एक एक्शन जिसके बारे में मैंने सुना है आपसे ज्यादा जानना चाहूंगी जॉय ऑफ गिविंग करके एक एक्टिविटी है जिसके साथ आप जुड़े हैं तो उसके बारे में हमें बता देखो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि लोग ना पैसा देते हैं सोशल वर्क सभी करना चाहते हैं इंसान की नीयत में आज खोड आ चुके हैं लोग वक्त देना नहीं चाहते तो मैंने ये सोचा हम तो बातें तो कर रहे हैं पैसा भी दे रहे हैं लेकिन जिसको जरूरत है उसके ग्राउंड में जाके हम मिल सकते हैं क्या Hmm. तो हो सकता है क्या ऐसा कि जो अवृद्धाश्रम है उधर हम जाके मिले तो क्या हो सकता है उनसे डिस्कशन करने के बाद पता चलता है कि जो ओल्ड एज जो लोग हैं उनको आपका पैसा नहीं चाहिए उनको वक्त चाहिए hmm. ये बच्चे लोगों को हमने दिखाया अपने बच्चे लोगों को फैमिली को सिखाया तो बच्चे लोग माँ बाप के साथ जो व्यवहार करते हैं वो नहीं करेंगे जी. जो अंदर बच्चे हैं उनके स्कूल में हम जाते हैं तो अपने बच्चे को पता चलता है कि ये बच्चे के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुश है अपने बच्चे के पास सब कुछ है फिर भी दुखी है जी। तो ये कैसे हो सकता है ये हमने सोचा तभी मुझे पता चला मेरे वाइफ का ज्योति मैडम है उनका बर्थडे था फिफ्थ अप्रैल को तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम एवरी मंथ के फोर्थ सैटरडे में हर एक ऐसे जो आदिवासी पाड़ा है या आ, स्कूल है या ऐसे कई सारे जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है जी। हम उनको पैसा नहीं देंगे हम उनके यहाँ जाएंगे उनके साथ खाना खाएंगे मिलेंगे बातें करेंगे उनकी लाइफ को जानेंगे उनका दुख दर्द को पता चलेगा तो ये सारे फैमिली सौ दो सौ फैमिलीज एक साथ आते हैं उधर हम जाते हैं उनको जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम उनको देते हैं मीन मेडिकल का कैंप अरेंज से लेकर सब कुछ कर रहे हैं हर मंथ के फोर सैटरडे जो कोविड आया तभी भी हम रुके नहीं थे कोविड में भी हमने फोर सैटरडे कंपल्सरी किया तभी पाँच सौ हज़ार दो दो हज़ार लोगों के प्रोग्राम सबने किए उधर जाके तो मैं आप सभी को कहूंगा कि पैसा मत दे दो आप उनको वक्त दे दो आज लोगों के पास वक्त नहीं है जी। आज बर्थडे का भी मैसेज व्हाट्सएप पे आता है सारे मैसेजेस दिवाली भी आज व्हाट्सएप पे हो रहा है मैं कहूँगा थोड़ा सा वक्त आपका निकालो मेरे फील्ड तो में तो फोर सैटरडे मीन्स ट्रेनिंग का बिजनेस होता है हमने फोर सैटरडे में कभी ट्रेनिंग नहीं लिया बिजनेस लॉस हुआ चलेगा वो लॉस नहीं होता है मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को पैसे से दवाई खरीदी जाती है दुआएं नहीं आज हमें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है इसके लिए एवरी मंथ फोर सैटरडे आप सभी को मैं इन्वाइट करूंगा जो लोग देख रहे हैं कि आप भी ये जॉय गिंग में आप आ सकते हैं लोगों से मिल सकते हैं इंडिया का कल्चर इंडिया में आना चाहिए इंसानियत फिर से रिटर्न आना चाहिए इसके लिए हमने कदम शुरू किया हुआ है और हजारों लोग आज साथ दे रहे आप भी आके ये प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं आ, आ, मैं इसी के साथ जाते जाते आपको पूछना चाहूंगी कि हर कोई चाहता है आ, विनर बनना तो विनर बनने के लिए अगर मैं आपको पूछूँ कि मुझे कुछ फाइव बुलेट पॉइंट्स दीजिए कुछ मंत्रा दीजिए तो आप क्या कहेंगे देखो जिंदगी में ना आज यूट्यूब एक ऐसा चैनल है ना इधर सब कुछ मिल रहा है अवेलेबल यूट्यूब में रामदेव बाबा जी योगा सिखाते लेकिन हम योगा करते नहीं है मेरा अब सिंपल बुलेट पॉइंट है जिंदगी में मैंने भी बहुत सारे अप डाउन देखे हैं चैलेंजेस देखे टफ टाइम देखा है लोग बोलते हैं कि नेवर गिव अप नेवर गिव अप ये वर्ड अच्छा है लेकिन उसके लिए जो संगत चाहिए उसके लिए गुरु चाहिए कोई तो सिखाने वाला चाहिए आज हम फेल क्यों हो रहे हैं उसका एक नतीजा देखा तो एजुकेशन की कमी है सेल्फ डेवलपमेंट की कमी है आदमी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता खुद से प्यार नहीं करता कोई गुरु नहीं होता मैं सभी को सिंपल कहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए मीन्स मान जी का एक डायलॉग है जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जैसा मैंने भी लिया जब तक यूनिवर्सिटी बनेगा नहीं तब तक ये छोड़ूंगा नहीं वैसे आपको एक वो लेना है कि ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं करूंगा नहीं जैसे मिशन चंद्रयान दो हजार में उन्होंने किया था आज तेईस में गया तो पांच साल लगे मैं आप सभी को कहूंगा कि पांच साल अपने जिंदगी के लिए दे दो बिजनेस करने के लिए और मुझे तो लगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है सबसे फ्यूचर इंडस्ट्री है उसमें आप जाते हो उसमें आप एजुकेशन लेते हो तो आप जिंदगी में जो चाहिए वो कर सकते हैं एक स्पिरिचुअल बिजनेस कोच के साथ बातें करके हमने काफी कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि हम कितना बड़ा सपना देख सकते हैं सौ करोड़ के भी ऊपर का सपना देखने का एक विश्वास हमें इस बातचीत से मिला है और उसका जो कारण है ये सपना देखने का वो है स्पिरिचुअलिटी और उस तक स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस ये जो दो, स्ट्री, दो स्ट्रीम्स हैं इनको साथ में लेकर हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं मुझे लगता है आज का इस, ये एपिसोड हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है ऐसी ही और भी बातें अगले एपिसोड में करेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू